यकीनन इमरान खान की तरफ से एक दानिशमंदाना फैसला किया गया है और उम्मीद की जा सकती है कि हुकूमत इस पर संजीदगी का मुजाहरा करे। आगे बढ़ते हैं साहब, तज्जिया निगारों का कहना है कि नून लीग की मकबूलियत में खासी कमी हुई है, नवाज शरीफ के लिए वापस आना जरूरी है। यार ये पहली बात तो ये है कि जिला वतनी और चीज है, मफरूरी और चीज है, एब्सकॉन्डर है। एक आदमी जिला वतन है, दूरी से मकबूलियत में इजाफे होते हैं, याद रखना। बहुत ज्यादा कुर्बत है, उसको ब्रेक देना चाहिए जिंदगी में। दूरियां जो है ना, देखो इमाम खुमैनी की इससे बढ़ के मिसाल हो सकती है। उन्होंने धक्के मार के निकाल मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया शाह ईरान को। उनकी देखो, उनकी जिलावत नहीं थी, वो एक बड़ा आदमी था। मकबूलियत कम कैसे होती है जी, मुझे मेरी समझ में नहीं आ रही बात। इनकी मकबूलियत नहीं है, इनका एक पैर के नीचे बटेरा आया हुआ था, एस्टैब्लिशमेंट भी कहते हैं। अच्छा, वो जो पंजाबी में कहते हैं हाथ पुआना, एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान को तो भावें वो हाथ पुआया हुए, ये तो पैदावार ही उनकी है। तो एक इन पे फेज आया था, अच्छा था, इन्होंने काफ़ी अपना ठीक उसको यूटिलाइज किया है पाकिस्तान को। तो अब क्या मकबूलियत, आ भी जाए, मैं कई बार कह चुका हूं, इनका ब्लफ कॉल हो जाएगा, सारी औकात सामने आ जाएगी। गुब्बारा है अब जिसमें सिर्फ एक पिन की कसर है, वो मुल्क में तशरीफ लाए तो पता लग जाएगा किस भाव बिकती है। और एक बात याद रखना, मैं हमेशा एक फुट नोट लगाता हूं, इस्तकबाल पे ये करोड़ों अरबों रुपया खर्च करेंगे ताकि इससे इनकी ना कोई को फिजा बने तो फलाना। लेकिन नवाज शरीफ फेरा इज गॉन, अच्छा फिनिश्ड। तो ये कि जी वो आ जाए तो कुछ हो जाएगा, आई डोंट बिलीव। बाकी को मुद्दा हो जाए तो मैं ठीक है, कोई नहीं कर रहा, मेरा असेसमेंट है दे आर गॉन, इट इज द मेल्टिंग फोर्स, जो आधे से ज्यादा मेल्ट हो चुकी है।